टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और आज थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करेंगे अबाउट एवरेज स्पीड, बिल्कुल मतलब बेसिक ही करेंगे। अब इससे पहले मेरे को ये बता दो, क्या थोड़ा बहुत वेक्टर्स आता है? यस सर, चलो बढ़िया, डिफरेंशिएशन तक तुमने थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया है, तो आज का काम हमारा आराम से चल जाएगा। तो यार मैं खुद ही तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, सबसे पहले तुम लोग ही बता दो कि तुम्हें कौन कौन से फॉर्मुलेस पता है इस चैप्टर में, क्योंकि पढ़ तो रखा ही होगा, कौन कौन से फॉर्मुले तुम्हें खुद से पता है? अरे किसी को कुछ फॉर्मूले नहीं पता, कुछ तो पता होगा चैप्टर में क्या है, क्या कौन सा फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन, कुछ भी यार ऐसा तो मत। हाँ वी इक्वल्स टू, v u प्लस at बढ़िया, और ये भी बढ़िया, और बढ़िया आरती, ये भी ठीक है, और कुछ? श्रीजल आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, चलो कोई बात नहीं, तो लेट्स स्टार्ट v स्क्वायर माइनस u। हाँ वो तो बोल दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस वगैरह, ये सब तो चलो हो गया है, तो लेट्स भैया स्टार्ट मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यार देखो अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं, मतलब हमें जो मोशन पढ़ना है वो अलोंग अ सिंगल एक्सिस पढ़ना है। हमारे पास टोटल कितनी डायरेक्शन है, कितने एक्सिस है? हमारे पास टोटल थ्री डायरेक्शन, थ्री में एक्सिस है, एक्स वाई जेड। तो अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा कोई भी पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, तो मतलब वो हो जाएगा हमारा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब मैं कह रहा हूं या तो हमारा पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, या तो पार्टिकल हमारा सिर्फ वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, या तो पार्टिकल हमारा सिर्फ जेड एक्सिस में मूव कर रहा है। मतलब हमें कंसिडर करनी है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एक्सिस। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पार्टिकल दो एक्सिस में एक साथ ट्रेवल करे? नो सर, यार बिल्कुल नहीं पॉसिबल। यस हमारा सर, पॉसिबल है कि एक पार्टिकल दो एक्सिस में एक साथ ट्रेवल करे, आपने वो भी पढ़ रखा होगा मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ले लेते हैं भाई, सपोज मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी बॉल को थ्रो किया है ग्राउंड से किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो अगर मैं किसी भी एक बॉल को थ्रो कर रहा हूं ग्राउंड से किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो भैया ये बॉल कैसे जाएगी? ये बॉल एक पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करके वापस नीचे गिर जाएगी। तो इस बॉल ने कौन कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल किया है? इस बॉल ने एक तो एक्स एक्सिस में ट्रैवल किया है, थोड़ी दूर जाके गिरी है, और साथ के साथ इसने वाई एक्सिस में भी ट्रैवल किया, क्योंकि ये पहले थोड़ा ऊपर गई और फिर जाके नीचे गिरी है। तो मतलब एक पार्टिकल दो डायरेक्शन साइमल्टेनियसली ट्रेवल कर सकता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा मोशन इन अ प्लेन बन जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? बढ़िया। लेकिन हमें फिलहाल जो डिस्कशन करना है वो करना है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन के बारे में। अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में हमें क्या क्या चीजें पहले पता होनी चाहिए? कुछ कुछ चार पांच क्वांटिटीज है जो हमें पता होनी चाहिए, चेक करना आपको भी इसके बारे में पता है या नहीं पता। भैया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही रिलेटेड हो जाएगा स्पीड, वेलोसिटी। फिर हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी देखेंगे कि कितने टाइप की स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब वेलोसिटी वगैरह। और एक लास्ट चीज हम देखेंगे फिर एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मेरे को बताओ व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। मेरे को ये बता दो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। बिल्कुल, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर? शॉर्ट डिस्टेंस। बिल्कुल, ये भी सही है। स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? सर डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अरे मतलब बहुत कुछ पहले से ही पता है, तो फटाफट डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, चेक करो चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। डन, चलो भाई तो लेट्स स्टार्ट। यार सपोज मैं क्या कह रहा हूँ, हमने कोई एक पार्टिकल लिया, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है वो ट्रेवल करता करता, और वो कहीं ना कहीं घूम फिर के पहुंचा है पॉइंट बी तक। तो अगर पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ आड़े टेढ़े रास्ते से जा रहा है। तो अगर मैं इस आड़े टेढ़े रास्ते की टोटल लेंथ निकाल लूं, तो ये टोटल लेंथ मेरे को क्या देगी? ये टोटल लेंथ मेरे को डिस्टेंस देगी। वेरी गुड, तो ये तो आप लोगों ने मेरे को बता ही दिया कि यार डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, चाहे वो कैसे भी ट्रेवल कर रहा हो,
मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को उस टोटल पाथ की लेंथ देखनी है। अब चाहे वो कोई भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, वो आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। लेकिन अगर अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं इस चीज में? बिल्कुल, तो यार मैं अज्यूम करूंगा कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम लिख देते हैं एक्स आई, कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है एक्स एफ। मेरे को इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स पता होंगे कि ए कौन सी पोजीशन पे है, बी कौन सी पोजीशन पे है। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बिल्कुल, जब हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, और ये शॉर्टेस्ट पाथ ही हमारा क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मुझे बताओ, क्या इस शॉर्टेस्ट पाथ की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, या ये कहीं पे भी रैंडमली हो सकता है? डायरेक्शन के पास पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, इसलिए हमारे पास डिस्टेंस भले ही स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। चेक करो, यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। डन। अब मैं एक आपको एडिशनल चीज बता रहा हूँ जो अभी बाद में आपके काम आएगी, लेकिन अभी ध्यान रख लो यार, अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल मेथड होता है वो क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का? अगर सपोज मेरे को ए से बी तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, तो हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये आप अभी डिफरेंशिएशन में पढ़ रहे होंगे। मैं इस पूरी लेंथ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा। अगर मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो इस छोटे टुकड़े का नाम लिख सकता हूं डी आर। डी आर मतलब बहुत ही छोटा हिस्सा। डन। अब ये सारे छोटे हिस्सों को अगर मैं जोड़ता चले जाऊं तो मेरे को मिल जाएगी टोटल लेंथ। तो यार ये छोटे हिस्से कितने होंगे, ये जो छोटे छोटे हिस्से मैंने तोड़े हैं ये तो इन्फानाइट होंगे। तो इन्फानाइट चीजों को ऐड कैसे किया जाता है? वेरी गुड आरती, यही सुनना था। गुड। तो अगर मेरे पास ये इन्फानाइट छोटे छोटे टुकड़े हैं और मेरे को इनको जोड़ना है डायरेक्शन जो कंसिडर किए बिना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चुपचाप इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। लेकिन क्या डी आर की मैं डायरेक्शन देख रहा हूँ या सिर्फ वैल्यू देख रहा हूँ? मैं सिर्फ वैल्यू देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉड्यूलस ऑफ डी आर। मॉड्यूलस का मतलब हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। क्या ये छोटी सी बात क्लियर हो गई है आपको? यार किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना। डन। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। मेरे को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो यार डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का तरीका भी यही है कि जब आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो आप इस पूरी लेंथ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे। इनफाइनाइट टुकड़े हैं, तो इनफाइनाइट टुकड़े हैं तो मतलब मेरे को इसको इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। लेकिन अब की बार मैं सिर्फ वैल्यू को देखूंगा या वैल्यू और डायरेक्शन दोनों को देखूंगा? वैल्यू और डायरेक्शन दोनों को देखूंगा। तो इसलिए हम इसके ऊपर लगा देंगे एक वेक्टर सिंबल। वेक्टर सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया मेरे को डी आर को जोड़ना तो है, ऐड तो करना है, लेकिन सिर्फ उसकी वैल्यू नहीं, उसके डायरेक्शन को देखकर ऐड करना है। तो इसलिए ऊपर लगा दिया हमने वेक्टर सिंबल। तो ये डिफरेंस हो गया बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डन डना डन है बात? बढ़िया। अब थ्योरेटिकल बकवास हो गई बहुत, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं जो डायरेक्टली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आते हैं। क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जैसे देखते हैं। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन कौन सॉल्व कर लेता है? भैया क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का कि हमारे पास है ना एक व्हील है, मतलब रो वो क्या कहते हैं टायर है, कार का टायर है, व्हील है। ये व्हील का हमें रेडियस गिवन है कि यार ये जो व्हील का रेडियस है सपोज दैट इज आर, मेरे को इसका रेडियस भी गिवन है। तो अगर मेरे को इसका रेडियस गिवन है, मैं कह रहा हूँ कि भैया ये व्हील रोल कर रही है। क्या आप रोल का मतलब समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. रोल का मतलब है कि ये ऐसे रोल करते हुए आगे जा रही है, और मैंने आपको इसका रेडियस बताया था। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है आर। सपोज ये पॉइंट है पी। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो व्हील है ये हाफ रेवोल्यूशन कर चुका है, ये हाफ रेवोल्यूशन कर चुका है। तो मेरे को बताओ अगर ये हाफ रेवोल्यूशन कर चुका है तो पॉइंट पी जो पहले नीचे था अब वो कहाँ पहुंच जाएगा? वेरी गुड। अरे क्या बात है भैया, सब फॉर्म में चल रहे हैं। पॉइंट पी ऊपर पहुंच जाएगा जब ये हाफ रिवॉल्व कर जाएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द
डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ध्यान देना क्वेश्चन पे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट बताना है. चलो देखते हैं, ऐसा करते हैं ऑप्शंस दे देता हूँ, सब लोग बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. मैसेज में भेजना, पोल कंडक्ट नहीं करूंगा क्योंकि पोल में आधे बच्चे गोली दे देते हैं. तो ऑप्शन ए पाई आर, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी टू आर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भी ले लेते हैं, कितना ले लें ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पाई रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस फोर. चलो सिर्फ ऑप्शन ए बी सी डी मैसेज में लिख के भेज दो भैया, सबका आंसर का वेट कर रहा हूं मैं. ओके आकाश, दीक्षा का भी आ गया, गुड. वंशिका, बढ़िया बढ़िया भैया, सब रिस्पॉन्डिव हैं. बढ़िया. चलो तो भाई ऐसा करते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, काफी बच्चों के तो आंसर्स आ गए हैं. ओके ओके, डन डन डन. चलो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. यार आप क्वेश्चन को लगता है सही से समझ नहीं पाए हो, इसलिए ये क्वेश्चन. कनिका आपका आंसर बिल्कुल सही है, सिर्फ अभी एक बच्चे का आंसर सही आया कनिका का. चलो तो यार मैं बोल रहा था हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट पी. और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी. डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि भैया आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ देगा और वो शॉर्टेस्ट पाथ ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा. तो मेरे को बताओ ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या जस्ट इसके ऊपर आया या कहीं ना कहीं आगे आया है. नहीं समझे, रिपीट. यार आप चीजों को कंफ्यूज कर रहे हो रोटेशन और रोलिंग के बीच में. अगर मैं कहता कि ये ऑब्जेक्ट इधर ही घूम रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर ही घूम रहा है तो पॉइंट पी जस्ट इसके ऊपर आता. क्या आपको सबको ये बात समझ में आ रही है? जैसे देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं किसी दूसरे तरीके समझाने की कोशिश करता हूँ. भाई सपोज मैं कह रहा हूँ ये मेरा फोन है और इस फोन को मैं रोटेट करा रहा हूँ. रोटेट कराने का मतलब क्या है कि ये मेरे इस फिंगर में फिक्स्ड है और ये मैंने इसको ऐसे रोटेट कराया. जब मैंने इसको ऐसे रोटेट कराया तो जो पॉइंट पहले नीचे था अब वो ऊपर आ गया. लेकिन क्या मेरा जो ये टायर है, ये व्हील है, ये रोटेट कर रहा है या रोल कर रहा है? ये रोल कर रहा है. रोल करने का मतलब है कि ये यहां से रोल करना स्टार्ट हुआ था और ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ के फिर यहां पहुंच गया. तो क्या पॉइंट पी जस्ट उसी के ऊपर आया या थोड़ा आगे जाके आया है? आगे आगे जाके आया है. तो भैया ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका और ये आपका फाइनल पॉइंट है. तो आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो. तो मैंने इन दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी. तो जो ये व्हाइट लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट. मेरे को ऐसा लगा सबको समझ में नहीं आया. यस सर. आपको समझ में नहीं आया, रिपीट करना है. सर रिपीट कर. चलो डन, रिपीट. नेक्स्ट स्लाइड पर रिपीट कर देता हूं. भैया आप लोगों को डिफरेंस समझ में आना चाहिए रोटेशन का और रोलिंग का. दोनों में बहुत डिफरेंस है. रोटेशन और रोलिंग में क्या डिफरेंस है वो चीज समझो. भैया रोटेशन का मतलब है जैसे हमारे घर में पंखा, फैन. क्या फैन एक ही जगह पर रोटेट कर रहा है या वो अपनी जगह चेंज करता रहता है? एक ही जगह पे कर, एक ही जगह पे रोटेट करता है, एक ही जगह पे घूम रहा है. तो रोटेशन का मतलब यही है कि भैया ये जो मेरा पॉइंट है ये फिक्स है. अब जो भी ये चीज घूम रही है ये इसी पॉइंट के आसपास घूम रही है. क्या रोटेशन का मतलब समझ में आ गया है? यस यस सर. हाँ या ना? यस सर. तो भैया पॉइंट पी अगर नीचे था और मैं कहता ये हाफ रोटेट कर रहा है, तो हाफ रोटेट का मतलब क्या था कि फिर मेरा पॉइंट पी कहाँ पहुंच जाएगा? मेरा पॉइंट पी ऊपर पहुंच जाएगा. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आता डायामीटर के बराबर. इस केस में डिस्प्लेसमेंट आता डायामीटर के बराबर. और हमारा डायामीटर कितना होता है? हमारा डायामीटर 2R होता है. तो इस केस में ये आंसर होता. लेकिन रोलिंग में ऐसा नहीं हो रहा है. आप रोलिंग को समझो. रोलिंग का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है. जैसे कि मैं जब साइकिल चलाता हूँ, कार चलाता हूँ, तो मेरी साइकिल का जो व्हील है वो घूम भी रहा है और साथ के साथ आगे भी जा रहा है. तो भैया अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ये घूम के
ये इस टाइप से घूम के कहीं ना कहीं आगे पहुंच गया, अगर ये कहीं ना कहीं घूम के आगे पहुंच गया है तो अब पॉइंट पी क्या वहीं आ रहा है या कहीं और आ रहा है? कहीं और आ रहा है, कहीं और सा आगे जा रहा है। क्या अब सबको समझ में आया या अभी भी कुछ और तरीके से समझाना है? सर आगे तो आ गया समझ में। बढ़िया, डन भाई, बहुत बढ़िया। तो अगर अब मैं ये जो व्हाइट लाइन है इसकी लेंथ निकाल लूं तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब एक चीज ट्राई करते हैं भैया, सबसे पहले तो बताओ ये वाली लाइन, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ डायमीटर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 2R। यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री। अब ये वाली लेंथ सोच के बताओ, ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ भैया, मेरा सर्कल आधा रोटेट हुआ है तो ये वाली होगी पाई आर। अब क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो? Yes, sir. चलो डन, बढ़िया। तो क्वेश्चन को अपने आप कंप्लीट करें और मेरे को बताएं कि फाइनल आंसर अब किससे मैच कर रहा है। ये हो गया पाई आर, ये हो गया 2R, यूज पाइथागोरस थ्योरम और मेरे को फाइनल आंसर बता दो। डी ऑप्शन, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन आ रहा है, बढ़िया। तो भैया एक एक करके फटाफट पूछ लेता हूँ बच्चों से, भाई बता देना समझ में आया या नहीं आया, किससे पूछे। यार ये मेडिकल स्टूडेंट कौन है? मेडिकल स्टूडेंट, यस सर। ओके यार, अपने नाम से ज्वाइन किया करो, सिमिलरली ओप्पो भी अपने नाम से ज्वाइन किया करो। चलो कोई नहीं, नैना आपको क्लियर है? यस सर। चलो बढ़िया, नेहा? यस सर। यार तुम्हारी क्लास में तो ऐसा लग रहा है कि लड़कियों की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही उसमें है, लड़के तो मेरे को दिख ही नहीं रहे। आकाश तो बताइए, आकाश तुम्हारा हो गया? यस। चलो डन, बढ़िया, आगे बढ़ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही है, तो ट्राई करना सॉल्व करने की, देखते हैं। भैया क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब क्या कर रहा है वो? सपोज वो स्टार्ट कर रहा है कहीं ना कहीं पॉइंट ए से, वो सर्कल पे घूम रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है कहीं ना कहीं पॉइंट ए से और वो घूमकर पहुंच गया है कहीं ना कहीं पॉइंट बी पे। कितना एंगल कवर किया उसने जब वो घूमा? उसने एंगल कवर किया सपोज 60 डिग्री, और इसका रेडियस हमें गिवन है, रेडियस है आर। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। क्या क्वेश्चन किसी के लिए रिपीट करूं? यस सर। डन। भैया आरती, हो ऐसा रहा है कि हमारा एक पार्टिकल है जो सर्कल में चक्कर काट रहा है, ऐसे सर्कल में घूम रहा है। उसने स्टार्ट कौन से पॉइंट पे किया है? ए पॉइंट पे। और एंड कौन से पॉइंट पे किया है? एंड उसने किया है पॉइंट बी पे। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट। अब जो ये सर्कल में चक्कर काट रहा है, सर्कल का सेंटर है ओ, और इस सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल का रेडियस है आर। जब ये ए से बी तक पहुंचा तो इसने कुछ ना कुछ एंगल कवर कर लिया होगा। तो इसने कितना एंगल कवर किया? इसने एंगल कवर किया 60 डिग्री। तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब तो क्लियर है? चलो डन। आरती माइक म्यूट कर लो प्लीज। भाई सब लोग डाउट पूछने के बाद या कुछ बोलने के बाद माइक म्यूट कर लिया करो, नहीं तो तुम जो बातें कर रहे होगे ना पीछे से वो सब सुनाई दे जाएगी यहाँ पे। रियलमी नार्जो 30A, ओहो। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता ना सिंपल सा नाइन्थ क्लास वाला, तो अभी आप फटाफट सॉल्व कर देते। सपोज जैसे मैं क्वेश्चन पूछता आपसे कि एक पार्टिकल है जिसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और ये ट्रैवल करता करता पॉइंट बी तक पहुंच गया, तो अगर मैं आपसे पूछता डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना बताते?
बोलो डिस्टेंस ए बी डिस्प्लेसमेंट टू आर। अगर मैं ये बोलता कि पार्टिकल ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक पहुंचा, पॉइंट बी बिल्कुल उसके सामने है, बिल्कुल उसके सामने मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो मतलब इस पार्टिकल ने आधा सर्कल कवर कर लिया। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछता डिस्टेंस, तो आप कहते सर आधा सर्कल, और आधा सर्कल कितना होता है पाई आर। और अगर मैं आपसे पूछता डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहते सर डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, ये तो डायमीटर है और डायमीटर होता है 2r। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा तो अब आने से रहा, भैया आप नाइन्थ में नहीं हो, तो अब यही क्वेश्चन का लॉजिक थोड़ा सा इधर लगा दो। भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पार्टिकल ए से बी तक गया है, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका है, मतलब मेरे को बेसिकली ये वाली लेंथ निकालनी है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये वाली चीज होगी हमारी आर्क, एक सर्कल का थोड़ा सा पार्ट आर्क। तो मेरे को बताओ आर्क की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे, तो आर्क की लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? थीटा बन आर। अरे वेरी गुड आकाश भैया, आर्क मतलब एंगल का फॉर्मूला होता है, बेसिकली एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मेरे को आर्क चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूं आर्क इज नथिंग बट एंगल इनटू रेडियस, हाँ या ना? यस सर। यस। अब एक दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है भैया? एंगल मेरे को गिवन है 60 डिग्री, लेकिन हम अपना आंसर डिग्रीज में नहीं लिख सकते, हमें इस एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियंस मतलब पाई के टर्म्स में, तो क्या आपको एंगल को पाई के टर्म्स में लिखना आता है? यस सर। तो बताओ 60 डिग्री कितना पाई, क्या होता है रेडियंस में? नहीं आता। चलो भैया 360 डिग्री होता है 2 पाई, ये आपको पता होगा शायद से कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने का मतलब होता है 360 डिग्री कवर करना, और 360 डिग्री कवर करने का मतलब होता है पाई आर, सॉरी 2 पाई। इसलिए आपको पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर ऐसे ही आया था। सर्कमफ्रेंस का मतलब कितना होता है? सर्कमफ्रेंस का मतलब है कि मेरे को ये पूरी लेंथ निकालनी है। सर्कमफ्रेंस का मतलब ये पूरी लेंथ निकालनी है। तो जब ये पूरी लेंथ निकालनी है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सर्कमफ्रेंस हो गया एक तरीके का आर्क, आर्क का मतलब होता है एंगल इंटू रेडियस, पूरा सर्कल कवर करने का मतलब है 360 डिग्री इंटू आर, और 360 डिग्री को हम लिखते हैं 2 पाई। अगर मेरे को बताओ 360 2 पाई होता है, तो 180 डिग्री कितना होगा? पाई। इसका आधा। अब मेरे को बताओ क्या मैं 60 डिग्री 180 बाय 3 लिख सकता हूँ? तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका फाइनल पाई बाय 3 इंटू आर। ये आपके डिस्टेंस की वैल्यू हो गई, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चेक कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। बिट्टू आप चेक करके बताओ आपको क्लियर है? यस सर। बड़े यार उदास तरीके से बता रहे हो। यस सर, चलो ठीक है। और क्या रिपीट करना है? यस सर। कौन सा पार्ट बताओ? सर स्टार्टिंग से कर दो सर, जो आर्क 60 डिग्री रेडियंस ले रहे आगे उसके आगे से। चलो ठीक है। सबसे पहले यार एक चीज याद रखो, मैं आपको स्टार्टिंग से चीजें समझा रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल वाला है, कोई नहीं आज क्लास थोड़ा सा स्लो ही चलने, तो कोई दिक्कत नहीं। यार हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल, एंगल का फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब आर्क का मतलब क्या है? आर्क का मतलब है हमारे सर्कल की बाउंड्री, जितनी भी कवर करी हो किसी भी एक पार्टिकल ने। अगर एक पार्टिकल पूरा सर्कल कवर कर रहा है तो उसने कितनी बाउंड्री कवर कर ली होगी? 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो बस अब वही लॉजिक इधर लगाना है। मैं कह रहा हूं कि कल को अगर मैं आपसे पूछता आर्क निकालो, तो आप सीधे सीधे आर्क का फॉर्मूला लिखोगे थीटा इनटू रेडियस। अब थीटा, थीटा मतलब एंगल होता है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? एंगल भले ही क्वेश्चन में आपको डिग्रीज में गिवन है, लेकिन आप एंगल की वैल्यू डिग्रीज में नहीं रख सकते। आपको एंगल को डिग्री से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियंस का मतलब पाई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो हमारा 360 डिग्री कितना पाई होता है? 360 डिग्री हमारा 2 पाई होता है।
तो अगर मैं आपसे पूछता कि भैया सर्कमफ्रेंस बताओ, तो आप सर्कमफ्रेंस कितना बताते श्रीजल? सर्कमफ्रेंस मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना, एक पूरा सर्कल कंप्लीट, बिल्कुल, एक सर्कल कंप्लीट करने का मतलब है 360 डिग्री मतलब 2 पाई और रेडियस आर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला समझ में आया कैसे आ गया? Yes, sir. अब मैं आपको यही चीज समझा रहा था कि अगर 360 डिग्री आपको पता चल गया तो अब आप कोई से भी एंगल की वैल्यू लिख सकते हो। जैसे 360 पता चल गया तो मैं 180 की लिख सकता हूँ, भाई 180 360 का हाफ होता है तो पाई। मैं 90 डिग्री का लिख सकता हूँ, 90-80 का हाफ होता है तो पाई बाई टू। मैं 45 डिग्री का बताओ, 45 डिग्री का कितना लिखूं? पाई बाई फोर, क्योंकि वो 90 का हाफ हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं आपसे 60 डिग्री पूछ रहा था तो 60 डिग्री 180 का 3 टाइम्स डिवाइड होता है, तो मतलब 180 होता है पाए, तो क्या मैं इसको पाए बाय 3 लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. बस तो यही चीज मैंने इधर करी, मैंने इधर क्या लिख दिया, 60 डिग्री को लिख दिया पाए बाय 3 और रेडियस एज इट इज, तो मेरे को आर्क मिल गया, आर्क मतलब मेरे को डिस्टेंस मिल गया। ठीक है इतनी बात? Yes, sir. चलो yes, sir. तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट पे बात कर सकता हूँ? Yes, sir. चलो डन yes. बढ़िया। तो भैया बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब कुछ बच्चों ने मेरे को पहले से आंसर दे दिया डिस्प्लेसमेंट का, उन्होंने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है आर। देखते हैं कैसे आर आ रहा है। भैया स्टार्ट हो रहा था पॉइंट ओ से, सॉरी पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा था और एंड किधर हो रहा था? पॉइंट बी पे। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए और बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब ये एंगल है 60 डिग्री, ये है रेडियस आर, ये भी रेडियस आर है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये वाली लेंथ भी आर होगी। भैया ये आपने कैसे बोला कि ये लेंथ आर होगी? मैंने कहा बोला कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो मान लेता, लेकिन किसने बोला कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या इसकी वैल्यू आर होगी? नहीं, आर नहीं है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स बता रहा हूं, बोर मत होना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगा इसमें, लेकिन उसके बाद मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा। आप सिर्फ डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला ही याद रखोगे, इतने सारे उसमें नहीं फंसोगे आप, डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला देखोगे। अब यार देखो इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। तरीका होता है कि मैं सेंटर से लेके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। हमारे सर्कल का ना एक लॉजिक होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं सर्कल के सेंटर से किसी भी एक आर्क पे कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स होगा। अब मेरे को बताओ क्या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके इस वाले एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? इस पॉइंट को मैं एम मान लेता हूँ। तो देखो मेरे पास एक ट्राइंगल कैसा आ रहा है, सब लोग चेक करना, किसी को कहीं पे भी डाउट लगे प्लीज रोक देना, बोल देना सर नहीं आया समझ में, मजा नहीं आया, बोल देना कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट एम, ये पॉइंट बी। भैया ये रेडियस आर है, मेरे को बताओ ये वाला एंगल अब कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो मेरे को ये वाली एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास आर साइन थीटा। अगर ये x की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? इसकी वैल्यू भी r sin थीटा होगी। तो मेरे को बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 2x, और 2x का मतलब 2r sin थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दो 2r sin थीटा, sin थीटा कितना है, 30 डिग्री है 60 डिग्री? 60 डिग्री। फिर से 30 डिग्री। भाई बिल्कुल, आप एक चीज याद रखो, इधर मैंने इसको थीटा माना, इसको थीटा माना, तब जाके मैंने लिखा x by r। तो भैया इसलिए ये एंगल इसका हाफ होगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2r into half। तो अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट r ही आ रहा है, बिल्कुल सही है फिर तो। चीजें क्लियर है? Yes. तो यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट विल बी r। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला देखना है, आप इतने सारे तामझाम में नहीं फंसोगे। तो अगर मैं आपको कभी भी बोलूं कि कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है उसका डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा इनटू आर, थीटा इनटू रेडियस। वेरी गुड। और अगर मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा
2r into sine theta by 2. Theta by 2 कैसे होगा? हाँ, चल जा एक मिनट, आपको वो लास्ट स्लाइड भी दिखाता हूँ. थीटा बाई टू कैसे होगा? क्योंकि क्वेश्चन में एंगल गिवन था 60 डिग्री, क्वेश्चन में एंगल गिवन था 60 डिग्री, लेकिन हमने यहाँ पे कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है? 30 डिग्री. तो मतलब मेरे को एंगल का हाफ लेना है. क्या ये दोनों फॉर्मूले अब आपको याद हो जाएंगे? यस सर, यस सर. सारे क्वेश्चन में लेने ऐसे ही? बिल्कुल, सारे क्वेश्चन में ऐसे लेना है. मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप डायरेक्टली ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करोगे, ये पूरा मेथड सॉल्व नहीं करोगे. ठीक है? यस सर. डन. अब शैलजा मेरे को बता दो कौन सी स्लाइड दिखानी है, ये वाली? यस सर. चलो डन, नोट कर लो, जैसे सबका नोट हो जाए बता देना. भैया हमारे पास है तीन आकांक्षा, आकांक्षा शर्मा, आकांक्षा ठाकुर और आकांक्षा सिंपल. बढ़िया, तीनों आकांक्षाओं को क्लियर है? यस सर. अच्छा चलो, दो आकांक्षा के बाद आ गई. चलो डन. तो जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस एंगल चेंज कर रहा हूं मैं अब की बार. यहीं पे एंगल चेंज कर देता हूं, बार बार क्वेश्चन कौन लिखेगा यार. यहीं पे क्वेश्चन ने बोला है कि अब की बार जो पार्टिकल ने एंगल कवर किया है वो 120 डिग्री कवर किया है, 120 डिग्री. तो मेरे को 120 डिग्री के लिए जरा बताओ डिस्टेंस कितना आएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा. चलो, क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? Yes, so. Done. मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं क्लियर हुआ, भैया बना ही देता हूं, नहीं तो बाद में तुम मेरे को बोलोगे सर तो है ना बस ऐसी गोली दे रहे हैं मेरे को. लो भैया क्वेश्चन लिख लो. पार्टिकल ने स्टार्ट किया पॉइंट ए से और वो गया पॉइंट बी तक, उसने एंगल कवर किया 120 डिग्री, रेडियस है आर. फाइंड करके बता दो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके. रोहित तुम्हें क्लियर है? यस सर. बढ़िया. सर डिस्टेंस 2π / 3 है. बिल्कुल सही है, वेरी गुड. बढ़िया, आकाश जिंदा हो? The displacement are चलो एक एक करके. शिवांगी तुम बताओ क्या बता रही हो? R into under root 3. चलो चेक कर लेते हैं. और वंशिका आप क्या बता रहे हो आंसर? सर under root 3 R. मतलब आपका भी आंसर सेम है. आरती आप? सर R into under root 3 upon 2. आपका थोड़ा अलग आ रहा है, ठीक है. ओपो करना पड़ेगा. तो बिल्कुल छोटी सी बात है, अभी हमने देखा 60 डिग्री होता है पाई बाय 3, तो 120 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? इसका डबल, 2π/3. तो यहाँ पे लिख दूंगा 2π/3 और आर. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर काफी लोगों ने सही दिया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2π/3. अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट पे. तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है 2r into sin एंगल का हाफ. तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा sin 60 डिग्री. sin 60 डिग्री कितना होता है? sin 60 डिग्री होता है भैया रूट 3/2. तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बिल्कुल आंसर सही आया है भैया रूट 3r. ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. यार बता दो, ठीक है? Yes, sir. तो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बहुत हो गया तो आगे बढ़े. Yes, sir. चलो डन, लेट्स प्रोसीड भाई, लेट्स प्रोसीड. अब यार हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया है स्पीड का, वेलोसिटी का. अब उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूं स्पीड.
तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा भाई? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछूं, दोनों को साथ में डील करके चल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम अब यार याद रखो, हमारे पास जो ये स्पीड और वेलोसिटी है, ये दो टाइप की होती है। कौन से दो टाइप की होती है? एक होती है हमारे पास एवरेज, वेरी गुड, और एक दूसरी होती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस अब मेरे को बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में? सर एवरेज बिटवीन टू पॉइंट्स और इंस्टेंटेनियस एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट, अरे क्या बात है, सब कुछ तो पता ही है, बढ़िया। एवरेज का मतलब होता है यार कि जब हम टोटल जर्नी अपनी कवर कर रहे हैं तो हम दो पॉइंट्स के बीच में कवर कर रहे हैं। जैसे पीछे वाले डायग्राम पे वापस आ जाओ भैया, इधर मैंने कहा था कि हमारा जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए से ट्रेवल कर रहा है और पॉइंट बी तक जा रहा है। तो जब वो ए से बी तक जा रहा है तो भाई उसकी स्पीड हर वक्त थोड़ी सी अलग अलग रही होगी, कहीं ना कहीं ट्रैफिक मिला होगा, कहीं ना कहीं खुला रोड मिला होगा, स्पीड अलग अलग रही होगी। तो अगर मैं ए से बी तक एवरेज पूछ रहा हूँ, मतलब ए से बी तक टोटल इन दो पॉइंट्स के बीच में पूछ रहा हूँ, तो वो बन जाएगा आपके पास एवरेज। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि मैं ए और बी इन दोनों के बीच में नहीं पूछ रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जब वो पॉइंट बी पे पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी थी। मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट की जब बात करें तो वो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस। तो जैसा आप लोगों ने कहा, मैं वही डेफिनेशन लिख देता हूँ, ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन में हमें जाना ही नहीं है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, जैसे आपने कहा, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है, बिटवीन टू पॉइंट्स। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वेरी गुड, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब यार एवरेज स्पीड देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान ये है भी नहीं। एवरेज स्पीड का अगर हम फॉर्मूला पूछे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? टोटल डिस्टेंस निकाला जाएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करके। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू तो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। तो इसलिए मैंने अभी तक आधी अधूरी चीज बताई। याद रखो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जब हम कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन के साथ कंसीडर करना है। तो जब हम डायरेक्शन के साथ कंसीडर करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन को कंसीडर ना करूं, मैं सिर्फ वैल्यू को कंसीडर करूं, तो जब मैं वैल्यू को कंसीडर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? बिल्कुल। तो ये चीज यहाँ पे लिख लो कि भैया मेरे को टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो इधर मैं डायरेक्शन के साथ कुछ नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा एक्स एफ माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। वेयरएज जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालूंगा, आपने मैथमेटिकल टूल्स में भी पढ़ी लिया होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमें कौन सा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, वेरी गुड मुस्कान। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर डिफरेंस समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन से सोचें, या ऐसे मजा नहीं आएगा बिगर क्वेश्चन के, कर लें क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन करते हैं ना, क्या रखा इन सब बातों में। क्वेश्चन है सीधा साधा कि भाई हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है और जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, पोजिशन कवर कर रहा है, वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने कहा x इज इक्वल्स टू 18t स्क्वायर माइनस 5t। मतलब सीधी सीधी बात क्या है, x मेरा पोजीशन है, क्वेश्चन ने कहा है कि जो पार्टिकल पोजीशन कवर कर रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, वो हर एक टाइम पे अलग अलग है। हमें क्वेश्चन ने कैलकुलेट करने के लिए बोला है फर्स्ट पार्ट कि भैया एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताओ कब। एवरेज वेलोसिटी तो दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए होती है, तो एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल t equals to 1 सेकंड से लेके t equals to 3 सेकंड तक, ये ऐसा करते हैं उसको 2 सेकंड ले लेता हूं, ज्यादा भारी नहीं करते हैं, 2 सेकंड ले लेते हैं फिलहाल के लिए। और दूसरा पार्ट है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करो फॉर कितने टाइम के लिए, फॉर टाइम सेकंड सेकंड। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। पहले आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, डायरेक्ट डिस्कस करना स्टार्ट करें? ट्राई कर, वेरी गुड, चलो ट्राई कर लो, बढ़िया, ट्राई टू कैलकुलेट।
फॉर्मूला मैंने फिर से लिख देता हूं, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं लिखा था तो पीछे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला डी एक्स बाय डी टी। यार तुम लोग कह रहे थे तुम्हारी क्लास में स्ट्रेंथ 100 पहुंच गई है, आज तो सिर्फ 60 पे रुकी हुई है। चलो देखते हैं, कर्सर चेक करो, क्लियर है चीजें? सर एवरेज वेलोसिटी 49 आ रही। चलो चेक करेंगे। पलक आपका आंसर आ रहा है? पलक मैडम्स, तन्वी, यस सर, सॉल्व हो रहा है? यस सर। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। आकाश आपका आंसर ठीक है, गुड, चेक कर लेंगे। आकाश, मुस्कान, गुड, अभी इसे भी देख लेते हैं। भैया सिर्फ दो लोगों का आंसर आया है अभी तक। ओके, तनिषा का भी आंसर आ गया, गुड, सही हो चाहे गलत हो कोई टेंशन है, मतलब बस आंसर आने से मतलब है भैया अभी तो। तनिष्का, ओके भैया सबके आंसर्स अभी तक जितने भी मेरे को आंसर्स मिले हैं, चार आंसर्स मिले और चारों के आंसर्स अलग हैं। ओके प्रतिभा, गुड। वंशिका आपने ये फर्स्ट पार्ट का आंसर भेजा है ना? यस सर। ठीक है, भाई लास्ट वन मिनट, जिसका आंसर आ जाए भेज दो फटाफट। ओके अर्षि, योगिता, ओके भाई बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है 49, तो ऐसा करते हैं चेक कर लेते हैं कैलकुलेट करके कि 49 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। भैया जब मेरे को एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो मेरे को फाइनल डिस्प्लेसमेंट या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन चाहिए, तो फाइनल पोजीशन xf का मतलब है कि हमें कौन से टाइम पे पोजीशन चाहिए, जो क्वेश्चन ने मेरे को फाइंड करने के लिए बोला है कि मेरे को 2 सेकंड पे फाइनल पोजीशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टाइम की जगह कितनी वैल्यू रख देंगे, 2 सेकंड, तो मेरे पास आएगा 18 × 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2, 18 × 2 का स्क्वायर मतलब 18 × 4, 18 × 4 कितना हो जाएगा, 72 माइनस 5 × 10, 10, तो मेरे पास फाइनल पोजीशन आ रही है 62। फिर मैं निकालूंगा इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मतलब कितने टाइम पे, टाइम 1 सेकंड पे, तो आप टाइम 1 सेकंड पे रख दो तो आपके पास आ जाएगा 18 × 2, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा हमारे पास भैया 13। अब मैं आराम से अपनी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, तो एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनल पोजीशन जो आया था 62 माइनस इनिशियल पोजीशन जो आया था हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय टाइम का सब्ट्रैक्शन, मतलब टाइम था फाइनल 2 इनिशियल था 1, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 49 मीटर। तो जिन जिन्होंने आंसर 49 दिया था उनका आंसर भैया बिल्कुल सही। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब मेरे को करना है डी एक्स बाई डी टी। भैया आप सब मेरे को बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाउ टू डू द डिफरेंशिएशन, जनरल 36t, वेरी गुड, तो मेरे पास आ जाएगा 36t माइनस 5। क्या किसी को डाउट है डिफरेंशिएशन में, तो मैं डिफरेंशिएशन समझा दूंगा। यस सर, टेंशन नहीं है भैया, आप सिर्फ क्या करो डिफरेंशिएशन के दो रूल्स याद रखो अभी, सिर्फ दो रूल्स, बाकी हम बाद में पढ़ते रहेंगे। पहला रूल क्या कहता है, सपोज मैं एक्स टू दी पावर एन को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो हमारा जनरल रूल कहता है कि पावर को बनाओ कोफिशियंट और फिर पावर में क्या कर देना चाहिए,
पावर में माइनस वन कर देना चाहिए। तो जैसे मेरा फर्स्ट पार्ट पकड़ो, फर्स्ट पार्ट आया था 18 टी स्क्वेयर, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं टाइम के टर्म्स में, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि पावर को कोफिशियंट बनाना है। तो मैं लिखूंगा 18 इंटू टू, पावर को बना दिया कोफिशियंट, फिर पावर में क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है मेरे को, माइनस। तो ये आ जाएगा 18 इंटू टू 36, 36 और टी टू दी पावर 1, तो मतलब ये हो गया 36 टी। क्या यहां तक का फर्स्ट रूल क्लियर है? सिमिलरली ये मैंने 18 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बता दिया, आप मेरे को बताओ अगर सिमिलरली मैं 5 टी का डिफरेंशिएशन करने के लिए बोलता, तो 5 टी पे अभी पावर कितनी है, अभी 5 टी पे पावर 1 है, तो आप क्या करोगे, 1 को बनाओगे कोफिशिएंट, बिल्कुल 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 टी टू दी पावर 0। किसी के ऊपर भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो भैया आंसर 5 आ गया। इसलिए पीछे मैंने लिखा 36 टी माइनस 5, चेक करो अब ये क्लियर हुआ। बढ़िया। अब मैं बोल रहा था आपको एक और रूल जो बताना है वो भी हाथ की याद बता देता हूँ, क्योंकि क्या पता वो नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आ जाए, तो अभी उसको भी देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। माइनस 5, ये था रूल 1। अब नेक्स्ट रूल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नेक्स्ट रूल होता है कि अगर मैं किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करूं तो वो आएगा हमेशा जीरो। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कोई ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी वेरिएबल पे चेंज ना हो, डिपेंड ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई इक्वेशन लिख के दे रहा हूं, तो आप मेरे को बताना कि इसमें कॉन्स्टेंट कौन है, बताओ इसमें कॉन्स्टेंट कौन है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो एक्स पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊं तो 2x क्यूब की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी x के हिसाब से चेंज होगी, इसकी वैल्यू भी x के हिसाब से चेंज होगी, लेकिन भाई तुम चाहे x की वैल्यू कुछ भी रख दो 10 तो 10 ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट है। तो अगर मैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा, 0। बस अभी फिलहाल के लिए ये दो रूल पे काम कर जाओ, आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे। तो भैया मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 36t - 5, लेकिन आपको टाइम की वैल्यू भी तो दे रखी है, कितने टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, 2 सेकंड पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे 36 × 2 - 5, 36 × 2 का क्या होता है वैल्यू, 72 माइनस 5, 72 माइनस 5 कितना, 67। भाई प्लीज चेक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। सर आ गया। यस सर। तो अगर मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे दूं तो क्या आप सॉल्व कर दोगे अब? यस 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 सर। तो अब मैं हेल्प नहीं करूंगा, आपको पूरा मेथड पता चल ही गया है, रैंडमली कोई इक्वेशन दे रहा हूं, आप सब अपने आप सॉल्व करोगे। चलो लेट्स टेक द क्वेश्चन, इधर ही ले लेते हैं ताकि इस रूल का भी यूज हो जाए। लेट्स टेक हियर इटसेल्फ। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को फिर से वही इक्वेशन गिवन है पार्टिकल के पोजीशन की, पार्टिकल के पोजीशन की इक्वेशन गिवन है और कुछ इस तरीके से गिवन है, 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 5, ये इक्वेशन मेरे को गिवन है। क्या क्या कैलकुलेट करना है, फिर से वही सब चीजें कि भैया सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी बताओ कितने टाइम इंटरवल के लिए, अब 0 से लेके टाइम इंटरवल 2 सेकंड के लिए, और दूसरा पार्ट फाइंड करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकंड के लिए। चलो स्टार्ट, आपको पूरा टाइम मिलता है 2 से 3 मिनट का, इसमें सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से प्रैक्टिस करो कॉम्पिटिशन एग्जाम की, 2-3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। सर एवरेज आ रही है 24 और इंस्टेंटेनियस 12। चलो चेक करेंगे भाई, देखते हैं किस किस का आंसर मैच कर रहा है। अभी फिलहाल बोला गया है कि एवरेज का आ रहा है 24 और इंस्टेंटेनियस का आ रहा है 12।
भाई नाम के हिसाब से ना इस क्लास में, पूरी क्लास में सर जो फर्स्ट वाला 24 आया, फर्स्ट वाला 24 आया, चलो मतलब मैच तो कर रहा है अभी फिलहाल 24, देखते हैं सर फर्स्ट का 19 वाला 12 है एंड फर्स्ट वाला 24 है। चलो डन, तनिष्क का जिज्ञासा सबका आंसर यही आ रहा है, तो चलो भैया फटाफट सॉल्व करके चेक कर लेते हैं अब सबका आंसर यही आ रहा है। तो गुड प्रतिभा भाई, सबसे पहले मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो मेरे को चाहिए एक्स एफ एंड एक्स आई। तो एक्स एफ के लिए मतलब मेरे को टाइम रखना है 2 सेकेंड पूरी इस इक्वेशन में ही, तो 2 का क्यूब प्लस 3 2 का स्क्वेयर माइनस 5। तो मेरे को बताओ ये एक्स एफ की वैल्यू कितनी आई सर? 24 24 यार, सब अपना माइक प्लीज म्यूट कर लो, किसी के माइक से डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा सा। चलो तो 2 cube is 8, 8 into 2 16, 16 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 28 minus 5 23। फिर मैं कैलकुलेट करूंगा xi, मतलब मैं टाइम की वैल्यू रखूंगा 0। तो जब मैं टाइम की वैल्यू 0 रखूंगा तो इस केस में हमारे पास सिर्फ माइनस 5 बचेगा, सिर्फ माइनस 5। क्या सबका यही हो रहा था? बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया, अरे हाँ ठीक है ठीक है। आ जाते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने पे। एवरेज वेलोसिटी होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस। तो 23 प्लस 5 हो जाएगा 28 बाय 2। तो भैया मेरा आंसर तो 14 आ रहा है। 14 आपने आंसर 24 निकाला, सबने कैसे निकाला 24 प्लीज मेरे को बता दो, क्या पता मैंने गलती करी हो। चेक करते हैं 14 आ रहा है, चेक कर लेते हैं भाई फिर से। मैंने क्या करा, मैंने xf की वैल्यू निकाली, टाइम पहले 2 रख दिया, तो 2 into 2 का क्यूब होता है 8, 8 into 2 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3 12 और यहां पे माइनस 5, तो 16 प्लस 12 28, 28 माइनस 5 23। फिर मेरे को फाइनल पोजीशन निकालना था, यहां पे टाइम की वैल्यू 0, यहां पे टाइम की वैल्यू 0 और यहां पे माइनस 5, बस उस हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो प्लीज सब चेक कर लो, अब सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए पहले तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा बताओ, एक एक करके कोई भी? 60 स्क्वायर। वेरी गुड, आकाश को बता दो, चलो आकाश तुम ही बता दो प्लीज। सर 60 स्क्वायर प्लस 60। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसमें टाइम की वैल्यू रख दो 1, तो टाइम की वैल्यू 1 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा 12। तो सेकंड पार्ट का आंसर तो सबका सही आया था, बस फर्स्ट पार्ट में किसी ने कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दिया, अदरवाइज सेकंड पार्ट का आंसर सबका सही था, दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। क्या भैया हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो बढ़िया, तो लेट्स प्रोसीड। अब ये तो हो गई इक्वेशंस की बात, अब थोड़े से जनरल क्वेश्चंस पे भी आ जाते हैं। यार एक तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है एवरेज स्पीड का या एवरेज वेलोसिटी का। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमने क्या किया, एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर, सॉरी ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग इक्वल डिस्टेंसेस। तो सपोज जैसे यहाँ पे भी डिस्टेंस दी, 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 इस तरीके से ये अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सारे के सारे डिस्टेंस इक्वल हैं। तो मैं कह रहा हूँ भैया इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, n इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किए। क्या इसमें कोई दिक्कत? बढ़िया। लेकिन जब इसने डिस्टेंस अलग अलग मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं तो यहाँ पे स्पीड अलग अलग थी, v1, v2, v3, v4 इस तरीके से अलग अलग स्पीड थी। अगर स्पीड अलग अलग है तो भैया इसने टाइम अलग अलग लिया होगा, t1, t2, t3 इस हिसाब से। तो मेरे को बताओ हाउ यू विल कैलकुलेट दी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे इस केस में। मेरे को ऐसा लगा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सर एक बार रिपीट करना। रिपीट कर दो। डन डन डन, ऐसा करते हैं तुम इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, पहले बिल्कुल सिंपलेस्ट केस लेके चलते हैं। सिंपलेस्ट केस
ये वाला क्वेश्चन नाइन्थ क्लास में आ जाता है यार, कि हमारे पास कोई एक पर्सन है या कोई एक पार्टिकल है, वो ट्रेवल कर रहा है ए से बी तक और फिर बी से लेके सी तक। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है और बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, वो दोनों सेम डिस्टेंस है, दोनों बराबर है, लेकिन स्पीड अलग अलग थी। यहाँ पे स्पीड वी वन थी, तो बी से सी तक ट्रेवल करने के लिए स्पीड अलग थी, वी टू थी। अब आप मेरे को बताओ, पहले मैं 40 की स्पीड से गया तो भी मैंने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया, मैं 60 की स्पीड से गया तो भी मैंने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या टाइम सेम होगा या अलग अलग होगा? टाइम अलग अलग होगा। तो इस केस में आपको बताना है व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो बताओ क्या फॉर्मूला बताऊं मैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। वो तो ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल भैया आप लिख रहे हो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इसमें एक दिक्कत है, t2 - v1 / t2 - t1। नहीं, थोड़ा सा और कुछ। सोच लो आराम से। नहीं, नो आइडिया। No, चलो डन। यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले है ना इस जनरल फॉर्मूले पे आ जाओ, तो मैं आपको पहले यहाँ पे फॉर्मूला समझा देता हूँ। चलो इधर देखो यार, इसका फॉर्मूला याद रखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपके पास इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं, कितने इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं, अभी फिलहाल मैंने एन मान लिया, लेकिन क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि कितने इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो। फॉर्मूला होता है एन डिवाइडेड बाय जितनी भी वेलोसिटीज गिवन है, उतनी वेलोसिटीज को ऐड करते चले जाओगे, 1/v2 + 1/v3, इस तरीके से ऐड करते चले जाओगे। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखाता हूं। मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में पार्टिकल कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? टू। तो मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, तो मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 डिवाइडेड बाय 1/v1 + 1/v2। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो आपके पास फाइनल आंसर आता है, ये याद रख लेना, ये वाला आंसर 2v1v2 / v1 + v2। क्या ये क्वेश्चन याद आया? तो इधर मैंने अगर दो डिस्टेंस दिए हैं तो बस यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं आपको डिस्टेंस 3 दे दूं, 4 दे दूं, तो उस अकॉर्डिंग आप अब इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। भाई चेक कर लो, अगर किसी को डाउट लगे तो बता दो। No, sir. अब याद रखो हो क्या रहा है इसमें, यार इसमें है ना ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दो टर्म्स का, और उन्हीं दो टर्म्स का नीचे एडिशन भी हो रहा है। तो याद रखो इस टाइप के एवरेज को, इस टाइप के एवरेज को हम कहते हैं हार्मोनिक एवरेज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एवरेज वेलोसिटी किस टाइप का एवरेज है, तो आप कहोगे कि ये हार्मोनिक एवरेज है। लेकिन हार्मोनिक एवरेज कब है? ये हार्मोनिक एवरेज तब है जब ये इक्वल डिस्टेंस कवर करता हो। अब आ जाता हूं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट भी देख लो, फिर हमारा एवरेज वेलोसिटी वाला पूरा किस्सा खत्म हो जाएगा। भैया नेक्स्ट पार्ट कहता है कि अब पार्टिकल ने क्या किया, डिस्टेंस अलग अलग कवर करे, डिस्टेंस यहाँ पे d1 d2 डिस्टेंस अलग अलग कवर किए, वेलोसिटी अलग अलग थी, लेकिन इसने जो भी कवर किया वो सेम टाइम के लिए कवर किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूँ 5 मिनट के लिए, फिर 60 की स्पीड से चल रहा हूँ फिर से 5 मिनट के लिए, 80 की स्पीड से चल रहा हूँ फिर से 5 मिनट के लिए, तो मैं अलग अलग डिस्टेंस कवर करूंगा अलग अलग स्पीड से, लेकिन टाइम मैंने सबके लिए सेम रखा है। तो याद रखो इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है सारी वेलोसिटीज को ऐड करना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मेरे ख्याल से ये वाली बात नहीं समझ में आई अब। नो सर। डन। अभी ये भी बता देता हूं, ऐसा कर लो पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, आपको एक एक क्वेश्चन से ये एग्जांपल भी सॉल्व करा देता हूं। कर लिया सर। कर लिया, चलो कर लिया। डन। चलो देखो कैसे सॉल्व करना है, बिगर क्वेश्चन के मजा नहीं आता, सीधी बात यही है। भाई मैंने कहा कि एक पार्टिकल है जो ए से लेके गया एम तक और एम से लेके बी तक,
एम बेसिकली मेरा मिड पॉइंट है। ये अब प्योरली नाइन्थ क्लास क्वेश्चन हो गया। भैया यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा कि वो ए से लेके एम तक कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। एम से लेके बी तक वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कैलकुलेट करके बताओ एवरेज स्पीड, तो मेरे को बताओ इस केस में आप एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर एम मेरा मिड पॉइंट है तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा? यस सर, एन डिवाइडेड बाय वन, एन डिवाइडेड बाय वन बाय वी वन प्लस वन बाय वी टू। वेरी गुड। और उसको सॉल्व करके हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया था, टू वी वन वी टू बाय वी वन प्लस वी टू। यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि भैया एवरेज स्पीड हो जाएगा टू वी वन वी टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू। जिसको ये वाला फॉर्मूला याद ना रहे तो कम से कम भैया ये वाला फॉर्मूला तो याद रख ही लेना, इसके बिना तो फिर नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हो जाएगा 2 इनटू v1 40 v2 की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन 100 40 60। अब बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? वेरी गुड भैया, 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये मैंने एग्जांपल दिया पहले वाले केस का। क्या ये एग्जांपल क्लियर हो गया? यस सर। बढ़िया। अब यहीं पे एग्जांपल दे देता हूँ नेक्स्ट वाले केस का। भैया नेक्स्ट वाला केस क्या कह रहा है कि अब मेरा पार्टिकल इस रूट पे चल रहा है, ए से लेके बी तक जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो ए से लेके एम तक, वो ए से लेके एम तक चल रहा है वेलोसिटी वी वन से, और एम से लेके बी तक चल रहा है वेलोसिटी वी टू से। अब की बार ये दोनों डिस्टेंस अलग अलग है लेकिन टाइम सेम है, टाइम सेम है। कितना टाइम है, टाइम ले लेता हूं। सपोज भैया ये चल रहा है 1 आवर के लिए, इधर भी कितनी स्पीड के लिए चल रहा है, 1 आवर के लिए चल रहा है, ठीक है। इधर स्पीड गिवन है, स्पीड की वैल्यू फिर से सेम ले लो, कितनी ले लेता हूं कि भैया 40 किलोमीटर पर आवर, और इधर ले लेता हूं 60 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज आप खुद देखो कि भैया क्या इधर डिस्टेंस ट्रेवल सेम है? भैया मैं 40 की स्पीड से अगर 1 घंटा चलूंगा तो अलग ट्रैवल करूंगा, 60 की स्पीड से 1 घंटा चलूंगा तो अलग ट्रैवल करूंगा, तो यार इधर तो लेकिन टाइम सेम है। तो अब की बार हम फॉर्मूला यूज करेंगे v1 plus v2 divided by n, और इधर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो v1 की वैल्यू है 40, v2 की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। चलो बढ़िया। अब चेक कर लो, अब तो कोई डाउट नहीं है, दोनों केसेस क्लियर हैं बिल्कुल? यस सर। बढ़िया। अब बस एक लास्ट चीज जो मैंने बताई अभी, यार इधर और इधर ये तो आपने पहले भी लोअर क्लास में पढ़ा होगा, सारे टर्म्स को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला कहलाता है हमारा अर्थमेटिक एवरेज। तो अब ध्यान, एन की वैल्यू 2 ऐसे है कि कितने टाइम के लिए मैं सेम चला, मैं 2 बार सेम टाइम के लिए चला, 2 बार नहीं, फिर से रिपीट करूं? यस सर। डन। एन का मतलब क्या होता है, जैसे फर्स्ट पार्ट में एन का मतलब है एन इक्वल डिस्टेंस, भाई मैं कितने बार इक्वल डिस्टेंस चला, तो मेरे को बताओ इस फर्स्ट केस में मैं कितनी बार इक्वल डिस्टेंस चला, 1 बार 2 बार, 2 बार चलाना, इसलिए मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी लिखी है, 2। अब जब मैं दूसरे पार्ट में बात करूंगा तो मैं कितने टाइम के लिए सेम चल रहा हूँ, भैया मैं 2 बार के लिए सेम चल रहा हूँ, तो यहाँ पे n क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल्स, कितने टाइम इंटरवल के लिए आप इक्वल चल रहे हो। तो जैसे कि इधर मेरे को बताओ मैं कितनी बार 2 टाइम इंटरवल के लिए चल रहा हूँ ना, 1 और 2, इसलिए इधर n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था, याद रखना कि अगर कभी भी ये आ जाए कि भई एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड किस टाइप का एवरेज होती है, तो बस ध्यान देना अगर इक्वल डिस्टेंसेस हैं तो हार्मोनिक एवरेज, अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं तो अर्थमेटिक एवरेज। अब बस आज के लिए इतना ही है, एक बार चेक कर लो अच्छे से हमने आज जितना भी किया, क्या उसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। सर प्रीवियस स्लाइड शो करना, ये लो, इससे पहले वाली भी है, यही सर,
सर इससे पहले वाली ये लो सर डन डन चलो बहुत बढ़िया आकाश टेंशन मतलब यार वो भी दिया जाएगा अभी फिलहाल एक लेक्चर तो मौज मारो कम से कम